हेलो दोस्तों, तो प्रैक्टिस सेट 2.5 चल रहा था हमारा, बराबर है। प्रैक्टिस सेट 2.5, उसमें हमने काफ़ी अच्छा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना वो सब पढ़ लिया था। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से रूट रियल एंड इक्वल रहते हैं या नॉट रियल रहते हैं वो हमने डिफाइन किए थे और वो सब बताया था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा अलग ही है कि अब तक जब हम पढ़ रहे थे तो कैसे होता था कि हमको रूट्स निकालने थे। इक्वेशन दिया रहता था, क्या दिया रहता था? इक्वेशन, इक्वेशंस दिया रहता था, उसके बेस पे हमारे हम रूट निकाल देते थे, रूट्स निकाल देते थे। बराबर है, मतलब एक्स की वैल्यू एक आती थी और एक्स की वैल्यू आती थी, एक्स के दो वैल्यू आते थे। बराबर है, किसके बेस के ऊपर से? इक्वेशन से। जैसे इक्वेशन कोई भी एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो रहा, इस इक्वेशन के बेस से हमारे हमको क्या मिलते थे? हमें एक्स की वैल्यू निकाल देते, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल देते, हम फार्मूला मेथड से निकाल देते, दो दो वैल्यू निकाल देते। ठीक है, अब समझ लो, अब थोड़ा उल्टा करना है हमको। अब हमको रूट्स दिए हैं, समझो मतलब जो एक्स की वैल्यू दिए हैं, और हमको बनाने हैं उसके इससे इक्वेशन बनाना है, रूट्स से इक्वेशन बनाने। पहले क्या पढ़ा था हमने? इक्वेशन से रूट्स बनाए थे, रूट्स निकाले थे, अब रूट्स दिए तो इक्वेशन बनाना है। कैसे? बिल्कुल सिंपल है, बाकी कुछ नहीं। हमको थोड़ा ध्यान में रखना है कि जो भी रूट्स दिए रहेंगे, जैसे मैं हम हमको करना है, जैसे रूट्स गिवन है, समझो रूट्स दिए है, समझो रूट्स दिया है मुझे 0 एंड 4। ठीक है, 0 एंड 4 दिया है, तो एक को समझ लूँ अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 समझ लूँगा, और एक को समझ लूँगा मैं बीटा इक्वल टू 4। अभी अल्फ़ा और बीटा क्या है वो उसको मैं थोड़ा समझ लेता हूँ कि अल्फ़ा और बीटा क्यों लिया है हम लोगों ने, इसका क्या काम पड़ने वाला है हमको। ठीक है, तो ये रूट्स दिए हैं, तो ये रूट्स को क्या समझना है? एक को अल्फ़ा समझना है और एक को बीटा, बस ये ध्यान में रखिए। अभी पहले पूरा वीडियो सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद लिखना है। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनाना है? तो मैंने क्या बोला है कि दो रूट्स की वैल्यू दिए रहते थे, एक दिए रहती थी और एक दूसरी दिए रहती थी, एक को अल्फा समझना था, एक को बीटा समझना था। अब इनका काम क्या है? जैसे हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या रहता था? एक्स स्क्वायर, बड़ा क्या रहता था हमारा इक्वेशन, हमेशा क्या रहता था? एक्स स्क्वायर माइनस, समझ लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बस ये फॉर्मेट में हमको उनको लाना होता है। ठीक है, तो जो भी मतलब एक अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने बताया था, एक वैल्यू हमको 0 दी थी, एक वैल्यू हमको 4 दी थी, एक को मैंने अल्फ़ा कहा था, एक को मैंने बीटा कहा था। बस तो मुझे किसकी ज़रूरत है? ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस क्या आएगा मेरा 0। ये बीटा की वैल्यू कितनी? अल्फ़ा मतलब मैंने 0 ले लिया यहाँ पे, बीटा की वैल्यू कितनी? 4 है, तो 0 प्लस 4 आंसर आ गया मेरा 4। अब मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा 0 प्लस 4 आ गई, ये वैल्यू मेरी 4 आ गई। अब क्या निकालना है मुझे? अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? अल्फ़ा इंटू बीटा तो 0 इंटू 4, एनी थिंग नंबर मल्टीप्लाई बाई 0, तो आंसर 0 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया? 0 आ गया। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, सिंपल था बिल्कुल। तो क्या कुछ नहीं, ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा आया है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करना, अल्फ़ा इंटू बीटा आया वैल्यू यहाँ पे पुट करना, हो गया इक्वेशन हमारा। कैसे था? एक्स स्क्वेयर था माइनस, माइनस से ध्यान में रखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था मेरा? 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 आया था, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था मेरा? 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 आया था। बस ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये रूट से निकालना। ये देखिए, अभी एक्स स्क्वेयर अगर मैंने कर दिया, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, कितना है? 4 है, तो मैंने लिख दिया 4, एक्स जैसे का वैसा, एक्स जैसे का वैसा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी? ये कितनी है? 0 है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा 0 है, 0 है, या मैं 0 लिख दिया, तो ये इज इक्वल टू 0। ये देखिए इक्वेशन बन गया, देखिए थोड़ा ध्यान में देखिए क्या बन गया इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 0 इक्वल टू 0, ये बन गया मेरा इक्वेशन। तो मैंने रूट से क्या बनाया इक्वेशन, क्या समझा? और एक बार एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल एक ले लेता हूँ मैं। जैसे मैंने रूट समझ लिए 3 एंड मुझे -10 दिए, मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है ये समझ लीजिए, मुझे क्या करना है, चलो एक को अल्फ़ा समझना है, अल्फ़ा को 3 समझना है, और बीटा के लिए क्या लेना है? -10। और मुझे क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस से ध्यान में रखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी, इंटू एक्स कर देना, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी, इक्वल टू 0। बस इस तरह से फॉर्मेट में लाना है, ये वाला थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। अब मुझे चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, मुझे चाहिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर मैंने निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 3 है मेरी, तो मैं 3 प्लस, बीटा की वैल्यू -10 है, तो मैं -10, इसको सॉल्व किया समझ लो, 3
प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 10। आंसर आ गया मेरा 3 - 10 - 7। अब मुझे क्या निकालना है, इंटू और एक अल्फा, अल्फा इंटू बीटा निकालना। अल्फा इंटू बीटा निकाला, अल्फा की वैल्यू 3 है, इंटू बीटा की वैल्यू -10 है, मैंने -10 निकाला। 10 - -10 - 3 - 30, आंसर आ गया -30 आ गया। अब देखिए मेरा अल्फा इंटू बीटा आ गया मेरा -30 और अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरा -7। ये वैल्यू बस कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करना है, ये वैल्यू पुट करना है अल्फा इंटू बीटा की और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, और वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगा। और सॉल्व कर लेते हैं, कितना गया -30 था, तो इक्वेशन था हमारा एक्स स्क्योर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा कितना था मेरा, आप ही बताइए, -7 था, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया था मेरा, -30 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर देता हूँ तो कितना आएगा, चलो एक्स स्क्योर माइनस अल्फा, अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरा 7 है, तो -7 - -7 - -7 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -30 है। वैल्यू पुट किया मैंने, बस बस चीज़ों को भूलना नहीं है। एक्स स्क्वेयर देखो -7 एक्स है तो 7x प्लस माइनस -30 है तो 30 0। चल देखिए रूट्स जो दिए थे उससे क्या बना मेरा इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस 7x - 30 स्क्वेयर प्लस 7x - 30, ये दिस इज द इक्वेशन। आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको समझ में आए, चलो बाकी एग्जांपल पे आप सॉल्व कर लीजिए। ये फोर्थ वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन फोर्थ में है ये जो सॉल्व करने, इस तरह से क्वेश्चन फोर्थ में है। फिफ्थ और आपके लिए होमवर्क में जो फिफ्थ में है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है। सिक्स वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने का है, सिलेबस के अभी रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करने नहीं करने हैं। जो भी सेवन्थ वाला सॉल्व करना है हम अभी हम सेवन्थ वाला देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, तो ठीक है, तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। वैसे आप सेवन्थ वाला आपको अगर जमेगा तो ट्राई कीजिए, वरना मैं बताने वाला ही छूँ आपको, ठीक है। तो आप लोग फिफ्थ वाले तक सॉल्व करिए, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।